परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष की बात हो रही है जो अव्यक्त से भी अधिक अव्यक्त जो भी हम महसूस करते हैं सूक्ष्म में। अभी हम ध्यान में बिगनर्स हैं, तो अभी हमें सूक्ष्म की अनुभूति थोड़ी थोड़ी होती है, कभी कभी होती है, लेकिन जो भी सूक्ष्म महसूस हो, अव्यक्त महसूस हो, उससे भी परे, उससे भी अन्य अव्यक्त है वो दिव्य परम। हमें उस ब्रह्म को या पर ब्रह्म को, देखिए अभी हमारे लिए ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही शब्द हैं। हम स्थूल से तभी हम सूक्ष्म पे जा रहे हैं, अभी हम हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि ब्रह्म बोले कि पर ब्रह्म बोले। सूक्ष्मतर लेवल पर हमें अभी महसूस करना सीखना है। तो ध्यान को बढ़ाते जाना है, स्वतः ही महसूस होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये कब होगा। जितना फिक्र करेंगे कब होगा, उतना विलंब हो सकता है। प्रकृति की तरफ से, अस्तित्व की तरफ से विलंब नहीं है। हम हमारे भीतर जो कुछ इम्प्योरिटी है, कुछ लैक ऑफ सिंसियरिटी है, उसका ही फर्क पड़ता है। फिर दिन और रात की बात हुई कि दिन आने पर अव्यक्त से व्यक्त प्रकट होता है और रात आने पर अव्यक्त में विलीन हो जाता है। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि मैं अब तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको तुम काल का ज्ञान, जिसको जानने से योगी मुक्त हो जाता है। लास्ट श्लोक में हमने यही देखा था कल कि आई विल टेल अबाउट दैट टाइम पीरियड, काले काल यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वना आवृति आवृतम, वो काल जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती योगी के जानने के बाद, मैं उस काल के बारे में तुम्हें कहता हूं। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, द टाइम पीरियड, जिसमें जिसको हम समझ लें तो मुक्ति होती है। मुक्ति चाहने से नहीं होती, समझने से होती। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योतिर अह शुक्ल शन माशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म विदो जनाः, जो ब्रह्म को जानते हैं वो कहते हैं, वो उनका मानना है कि अग्नि ज्योति और आहा दिन और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होता है पता है? पूर्णिमा और अमावस्या में शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोला जाता है, जो जानते हैं उन टाइप कीजिएगा, देखिए तो देखें किनको किनको पता है। पूर्णिमा तो एक दिन होता है, शुक्ल पक्ष को
कौन सी अवस्था है, कौन सा टाइम टाइम पीरियड है? अभी काल की बात हो रही है ना, शुक्ल पक्ष है अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में, जब चंद्रमा छोटे से बड़े बड़ा हो रहा है। तो छोटे से बड़े को क्या बोलते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में? इवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस जब एक्सपैंड होता है, छोटे से बड़ा होता है, जो नॉर्मल हम बोले ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पर्सन, ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्ट, ग्रोथ ऑफ लाइफ। तो जब चंद्रमा का ग्रोथ हो रहा हो वो शुक्ल पक्ष। ज्यादातर जगह इस श्लोक की सिंपल जनरल मीनिंग की जाती है कि जब दिन के समय, दिन के समय जब कोई शरीर त्याग करता है, शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है, और 6 मास का उत्तरायण, और जिक्र भी किया जाता है कि भीष्म पितामह जिनको वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, कि जब वो चाहें तब वो अपने शरीर को छोड़े, कितनी ग्रेट बात है। तो वो घायल भी हो गए हैं अर्जुन के बाणों से, लेकिन फिर भी अभी सूर्य उत्तरायण में नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को रोके रखा। जब सूर्य उत्तरायण बाणों के सैया पे सोए हुए हैं, फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री और माइथोलॉजी, जो भी आप समझना चाहें, बाण के सैया पर कोई पर्सन लेटा है और वेट कर रहा है कि सूर्य उत्तरायण होगा तब से छोड़ेंगे। तो 6 मास का ये उत्तरायण पीरियड है, जनवरी से जुलाई कहते हैं, मिड जनवरी से मिड जुलाई। तो एक लिटरल मीनिंग है कि जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब, जब शुक्ल पक्ष है तब, जब दिन है तब शरीर छोड़ने वाला पर्सन या योगी मुक्त हो जाता है, ब्रह्म को जाता है। तो लेकिन इसका जो सिंबॉलिक इजोटेरिक डीप मीनिंग है वो बात है कि शुक्ल पक्ष जब ग्रोथ हो रहा है चंद्रमा का, तो ग्रोइंग की तरह, ग्रोथ की तरह जब हम मृत्यु को देखते हैं, डेथ इज नॉट ए बैड थिंग और डिजास्टर्स थिंग। अगर हमें इवॉल्व होना है तो स्थूल से हम सूक्ष्म में जाना है, हम ध्यान में भी अपने सूक्ष्म प्रकृति के प्रति जाग रहे हैं, शरीर से हमारी पकड़ थोड़ी कम हो और हमारे भीतर जो सूक्ष्म है, जो ऊर्जा है, जो चक्राज है, उसको हम फील कर सके। तो जब ग्रोथ ओरिएंटेड अवेयरनेस हो और उस भाव से अगर शरीर त्यागे, तो फिर आप आगे जाते हैं, ब्रह्म को जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शुक्ल पक्ष की बात हुई, 5 पॉइंट है यहाँ पे, अग्नि, ज्योति, शुक्ल, सन माशा उत्तरायण। तो ज्योति वाला एग्जाम्पल समझना सबसे आसान है, ज्योति कहाँ दिखाई देती है? ध्यान में, बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन में लाइट दिखता है, मुझे लाइट दिखा, इस रंग का लाइट दिखा, तो लाइट कहाँ से दिखता है? थर्ड आई से। तो एट द टाइम ऑफ डिपार्टेशन, जब आप छोड़ने वाले हैं शरीर को, उस समय अगर आप इतने सजग हैं, दिन दिन में क्या हम जागृत रहते हैं, तो जब शरीर छोड़ने का समय आए तो उस समय रोते हुए बेहोशी में नहीं मरना, होश पूर्वक, जागृत पूर्वक। दिन जो है वो डे, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस का सिंबॉलिज्म, बेहोशी में शरीर नहीं छोड़ना है, होश पूर्वक शरीर का त्याग। अगर हम पढ़े योगियों की आत्मकथा, स्वामी राम की आत्मकथा,
योगी जागृत अवस्था में शरीर छोड़ता है, हम बेहोशी में रोते रोते शरीर छोड़ते हैं। तो ये बात है आह की, जब अवेयरनेस है उसमें शरीर छोड़ना। ज्योति, ज्योति कहां दिखती है? थर्ड आई पे दिखती है। थर्ड आई पे ज्योति को देखते हुए शरीर को छोड़ना, अवेयर रहना उस समय अपनी सूक्ष्म ऊर्जाओं को, अपने थर्ड आई पे फोकस रहना और शरीर छोड़ना। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि क्या होती है? वो ऊपर जाती है। आप माचिस जलाइए, माचिस की जो अग्नि है वो ऊपर की ओर जा रही है, फायर जलाएं, अग्नि ऊपर जाती है। हमारे शरीर में ऊपर क्या जाता है? कुंडलिनी, और वो भी एक फायर जैसी है। जब कुंडलिनी जागरण हो, अच्छे से साधना हो, कुंडलिनी जागरण हो, जागरण होने लगे, तो कभी कितनी बार कई तरह के अलग अलग अनुभव होते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। जब अग्नि जलेगी आपके भीतर जो भी इम्प्योरिटी है वो जलाएगी, जो भी आपकी लाइफ में अनवांटेड है वो छूटेगा। लेकिन हम कुंडलिनी को नहीं समझे, साधना को नहीं समझे, तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यानियों का अनुभव सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझ जाएंगे कुंडलिनी के बारे में, अग्नि के बारे में। तो जब शरीर छोड़ने का समय है, कॉन्शियस रहना है, आह ज्योति, थर्ड आई में ज्योति देख रहे हैं, और अग्नि कुंडलिनी अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊपर उठा रहे हैं। हम लोअर चक्रास से मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं, अपर चक्रास से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं। तो जो भी प्राण ऊर्जा हमारे भीतर है उसका डायरेक्शन, ओरिएंटेशन अपर, अपवर्ड हो, टुवर्ड्स डिवाइन हो, साधना से आपको चक्र महसूस होने लग जाएंगे। और जब चक्र महसूस होने लग जाएंगे, कुंडलिनी महसूस होने लग जाएगी, आप प्राण ऊर्जा को अपने विल से मूवमेंट दे सकते हो, आप अपने भीतर दे सकते हो, आगे चलकर आप दूसरों के भीतर दे सकते हो। इट्स पॉसिबल। ये सभी ध्यानियों का अनुभव देर सवेर होने ही वाला है, बस जल्दबाजी आप ना करें। जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उतना देर होगा। बस सिंसियरिटी के बारे में समझें, साधना की बारीकियों के बारे में समझें और उसको अपने जीवन में उतारते जाएं। षण्माशा उत्तरायणम, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अबाउट सृष्टि चक्र, द इवोल्यूशन फेज। ये सृष्टि जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, हम उसी दिशा में आगे बढ़ें। ये बात समझ में आए, हम वो ना करें अपने मन के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से ना करें, जो सृष्टि जिस दिशा में बढ़ रही है, जो उसका जो इवोल्यूशन का जो पैटर्न है कॉस्मोस का, अर्थ का, उसको समझते हुए हम उसकी हार्मनी में आ जाएं, उसके अनुसार चलें। तो अगर रेस्ट करने का फेज है, इस कोरोना टाइम इज रेस्टिंग टाइम, आपको लॉकडाउन में अपने भीतर रहना है तो रेस्ट कीजिए। व्यग्र मत होइए कि लॉकडाउन है तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, घर पे बैठकर ध्यान में बैठ कीजिए। समझना सृष्टि चक्र को, सृष्टि के नियम को, प्रकृति को, और उसके साथ हार्मनी में रहना। जब सूर्य जिस दिशा में जा रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो हम भी उत्तरायण हो जाएं, हम उसके साथ, उसके अलोंग हो जाएं। ये पांच क्वालिटी दी गई है, हम समझें, अपने चेतना को धर्मुखी बनाएं, अग्नि के तरह ज्योति देखना सीखें थर्ड आई पर, अवेयर रहना सीखें दिन की तरह, पूर्णता की ओर, अमावस्या से चंद्रमा पूर्णता की ओर जा रहा है, अपने जीवन में हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो सृष्टि का जो पैटर्न है उसको समझते हुए उसके साथ अनुकूल हो। जब इस तरह से हम चल रहे हैं प्रयाण काल के समय, तो ऐसा योगी ब्रह्म को जाता है। जो ब्रह्म जानने वाले लोग हैं, ब्रह्म विदो जनाः, उनके अनुसार ये हम कृष्ण को भगवान
अवतार बोल देते हैं, कृष्ण इज हाईएस्ट अथॉरिटी। लेकिन अगर हम गीता में पढ़ें तो कृष्ण सब कुछ अपने ऊपर लेकर नहीं कह रहे, कह रहे कि जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, कृष्ण इज मेंशनिंग अदर्स, रेस्पेक्टिंग अदर्स। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उसी का उल्टा अब आ गया कि अगर रात में कोई बेहोशी में कृष्ण पक्ष में अगर दक्षिणायन में शरीर छोड़ रहा है तो ऐसा ऐसे अवस्था में फिर से निवर्तते जन्म लेता है योगी। यहाँ भी योगी ही कह रहे हैं। योग योग के अंदर, योग के अभ्यास के अंदर भी अलग अलग योगियों की अलग अलग अवस्था होती है, हो सकती है। तो जो योगी अभी ब्रह्म की बात को नहीं समझा, अगर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, अपने आप से जुड़ गए, तो भी योगी ही कहलाया। लेकिन आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो अलग अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला योगी अपने जीवन में 824 जो क्वालिटीज आई, अग्नि ज्योति रह शुक्लह शन माशा उत्तरायनम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, उनको अपने जीवन में उतार के ब्रह्म में चला जाता है, मुक्त हो जाता है। अगर जो योगी नहीं जानता है इन बातों को। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणाय, वही पांच पॉइंट का उल्टी बात है, अपोजिट बात है। धूमो रात्रि कृष्ण पक्ष षण्मासा दक्षिणायनम, अगर इस समय में अगर जाए तो वापस आता है योगी। तो यहां पर बात ये कही है कि वो योगी है, उसके पास पुण्य कर्म है, तो हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में वो अपने उन पुण्य कर्मों को भोगेगा, स्वर्ग को भोगेगा, और उसके बाद जब उसके पुण्य कर्म चुकता हो जाएंगे उस लोक में, तो फिर से धरती लोक में जन्म लेगा। व्याख्या में ये बात कही जाती है। तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में गति होती है, ये शाश्वत मत है, ये सब लोग मानते हैं इस बात को। कृष्ण सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि मेरे अनुसार ऐसा है, ये सबका मानना है। एक से वापस आना होता है और एक रास्ते से वापस आना नहीं होता। There are two ways of leaving this world। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योगी इन दो रास्तों को जानता है और मोहित नहीं होता। जो हम हमें जो पाना है, जो करना है, हम उसको याद रखें। कुंडलिनी अग्नि, ज्योति, थर्ड आई, अवेयरनेस, अवेयर एट डे टाइम, शुक्ल पक्ष पूर्णता की ओर, उत्तरायण सृष्टि चक्र के अनुकूल। अगर योगी इन सभी के प्रति जानता है तो मोहित नहीं होता। इसलिए सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, सभी काल में सभी तरह से योग से युक्त हो अर्जुन। डोंट गेट डिल्यूडेड, डिल्यूजन होता है अगर जो नहीं जानते हैं,
योगी इन दोनों रास्तों को बारे में जानता है, दोनों तरीकों के बारे में जानता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। कंपेयर बिटवीन डिफरेंट गुड प्रैक्टिसेस, सो कॉल्ड गुड प्रैक्टिसेस, वो इस श्लोक में आ गई है कि वेद को पढ़ने, इन इन चीजों को जानने से, जो अभी दो रास्तों की बात हुई उनको जानने से, यज्ञ से, तप से, दान से पुण्य फल जो मिलता है, इन सभी के बियॉन्ड है इस ज्ञान को जानना। हाउ टू लीव द बॉडी, अध्यात्म में हम जो भी सीख रहे हैं ये तो सबसे बड़ा टेस्ट हमारा होता है मृत्यु के समय, हाउ वी डाई। वो हमारे, वैसे तो हम थ्रू आउट लाइफ सीखते रहते हैं, हमने कितना सीखा वो मृत्यु के समय एक पता चल जाता है। तो इन बातों को जानना का जो फल है, का जो मेरिट है, वो सभी यज्ञ से, तप से, दान से सबसे ऊपर है। इन बातों को समझते हुए हमें साधना, ब्रह्म विद्या की साधना में तत्पर रहना चाहिए। यह जो ब्रह्म विद्या की साधना है वो सबसे ऊपर है। The yogis who know this secret gain merit far beyond fruits of Vedic rituals, a study of the Vedas. हम वेद को पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, उसके अच्छे उच्चारण करने लग जाएं, उसके मेरिट से भी अधिक बड़ा बड़ी बात है कि यह जो ज्ञान है जो अभी मैंने तुम्हें दिया वो काल का ज्ञान। How to discard this mortal body? ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम। तो इस चैप्टर का नाम अक्षर ब्रह्मयोग है। हर चैप्टर का एक नाम है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी बात है। इस चैप्टर में ब्रह्म के बारे में, अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया गया और उससे हमें योग स्थापित करने, उससे हम जुड़े, उसको हम पहचाने, अपने आप को उससे जोड़ ले। अगर उससे जुड़ना नहीं हुआ तो फिर हमने जो भी योग साधना की वो रिवर्सिबल होती है। और हम अगर अलर्ट ना रहें तो कभी भी हम इंद्रियों के अर्थ में, किसी कामना में फंस सकते हैं। और सात्विक कामना भी होती है, दुनिया को अच्छी बनाने की कामना भी होती है। दुनिया को अच्छा बनाना अच्छी बात है, लेकिन उत्तरायण को समझते हुए, सृष्टि चक्र को समझते हुए अपने हिसाब से अच्छा करने की जरूरत नहीं है। पहले हम डिवाइन विल को समझ लें, उसके साथ अपने आप को रेजोनेट कर लें। ट्रूथ इज अ पैराडॉक्स। ये अलग बात है कि डिवाइन विल को जब आपने अच्छे समझ लिया तो आपका विल डिवाइन बन जाता है, लेकिन वो और हायर क्वालिटी की बात है। पहले हम डिवाइन विल को तो ही समझ लें। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म योग एक चैप्टर भी ओवर हुआ। ये छोटा चैप्टर है, इसमें जो मुख्य श्लोक है वो
मेडिटेशन के समय भी लगा के रखे हुए था, इसलिए मेडिटेशन के समय मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आंखें बंद रही होंगी। किसी की अगर आंखें खुली भी है तो भी वो कुछ उसको मिल जाए, इसलिए मैं मुख्य श्लोक लगा के रखता हूँ। तो फिर से हम मुख्य श्लोक को एक बार देख लें, जो पहले आया था, मीनिंग आपको याद ही होगा। प्रयाण निकाले न मनसा आचले भक्त्या युक्तो योग बले चैव भ्रुवो मध्य प्राण मावेश्यक सम्यक स तम परम पुरुषे मुख पैति दिव्यम। प्रयाण काल में मन को अचल बनाते हुए योग के बल से भ्रुव मध्य में प्राण को टिकाना, प्राण को आवेशित करना। तो जो लास्ट में कई बातें एक साथ आ गई, उसको धीरे धीरे उसका टेम्परामेंट बिल्डअप कर रहे थे कृष्ण। सर्व द्वारानी संयमा 8-12 सर्व द्वारानी संयमा मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध आधाय आत्मनः प्राण मास्थितो योग धारणम। सभी द्वारों पे संयम, हमारी जिह्वा पे हमारा संयम हो, हमारी दृष्टि पे हमारा संयम हो, हमारे कान पे हमारा संयम हो, और मन को हृदय में निरुद्ध करना, हार्ट सेंटर्ड लाइफ, लव सेंटर्ड लाइफ। हमारा मन हृदय के जो भाव होते हैं, हृदय के भाव क्या होते हैं, लव है, कंपैशन है, फ्रेंडशिप है, उसमें ही मन रहे, मन उसी के अनुसार आचरण करे, उसी के तरह के हमारे पास विचार उठे। मन को तो हार्ट में, हृदय में रखना है, लेकिन अपने प्राण को मूर्धन्य में, मस्तक में रखना है, योग की धारणा से। तो भ्रूमध्य और मूर्धन्य, थर्ड आई और अपर हेड ग्राउंड की बात है, मिलती जुलती ही बात है। अगर भ्रूमध्य में प्राण को आवेशित करना आ गया तो मूर्धन्य में भी प्राण को स्थित कर लेंगे, लेकिन हाँ बस बात पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो सिर्फ थर्ड आई ही करते रह जाएंगे। बहुत सारे साधक ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ थर्ड आई में फोकस्ड होते हैं, थर्ड आई ठीक है, अच्छी है, फिर मूर्धन्य ग्राउंड सहस्त्रार और 8-20, 8-24 तो हमने आज देखा ही। अच्छे ब्रह्म योग में इन मुख्य श्लोक को हमेशा याद रखें। जो मुख्य श्लोक है उसको मैं फिर से बता दिया हूं, एटलीस्ट ये 5-6 श्लोक तो याद रखिए। दिस श्लोक का डिस्कशन ओवर, कोई कंसेप्ट डिस्कशन हो आप एंगेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं। जीने की कला आई तो ही मरने की कला आ सकती है। कैसे जीना है और कैसे मरना है वो हम भगवत गीता से सीखते हैं, एक योगी की तरह। वो भी युद्ध के मैदान में, जहां पे धर्म है, जहां पे कर्म है, उसके बीच में योगी बनना, बनने की बात है। ऐसा नहीं है सब कुछ संन्यास लेने के बाद योगी बनना। डेफिनेटली वी कैन डिसाइड इफ वी हैव ए गुड विल पावर, अगर आपके प्राण पर ऊर्जा है, अगर प्राण पे आपका नियंत्रण है, जब शरीर छूटता है तो हम प्राण बाहर आता है। अगर हम ध्यान में अपने चक्रों को महसूस कर रहे हैं, चक्रों की एनर्जी को डायरेक्शन देना सीख रहे हैं, तो क्या हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते? अगर हम बेहोशी में जी रहे हैं देन इट्स प्री डिस्टाइंड, मृत्यु होना है तो होगा ही, अगर आप नियंत्रण नहीं करते हो। अब देखिए, आपके जीवन की गाड़ी तो चल रही है, आपने जन्म ले लिया,
आप इतने बड़े हो गए, लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, तो गाड़ी तो चल ही रही है, अब इस जीवन की गाड़ी पे आप अपना नियंत्रण लेते हैं या बस छोड़ देते हैं? तो मृत्यु तो होनी ही है, उस तरह से ये प्री डिस्टाइंड। लेकिन ये कैसे होती है, यह साधक बहुत कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। साधक लेवल पे आप थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं, योगी बन जाने पर आप ज्यादा कर सकते हैं। और योगी कौन है? जो समता में जीता है, शुरू से बात ये हो रही है। पंडिता समदर्शिना, जो सबके भीतर इस परम तत्व को देखता है। सो वी कैन मॉडरेट, वी कैन मॉड्यूलेट डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ चेंज कर देंगे। हाँ, चेंज करने की बात आई तो आज जो वॉशिंगटन है वो भारत के अंदर आ जाए। इस तरह के अगर आप ये सिर पैर की बात करेंगे तो फिर आप डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हाँ, स्केल में जो डिसाइडेड, जो एक क्रॉस फ्रेम है, उसमें आप चेंज थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा बहुत भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।